वाओ क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे कि 3 वर्ष से लेकर के और कितनी भी बड़ी है, जो जैसे कि 8 साल का हो गया, 9 साल का बच्चा हो गया, उनके आंखों में से आप देखेंगे कि पानी आता रहता है। अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह की समस्या है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मैं उपाय बता रही हूँ वो शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो बच्चों की आंखों में से जो पानी आता रहता है उसके लिए छोटा सा उपाय के लिए आज बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। आजकल पढ़ाई का लोड है, फिर आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन से टच रहते हैं, यानी कि अगर बच्चे ज्यादा देर तक टीवी देखते रहेंगे, लैपटॉप चलाएंगे, मोबाइल पकड़े रहेंगे, तो इस तरह से बच्चों की आंखों पर ही सबसे पहले बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम उन पर ध्यान ना दें तो बच्चों के जो आंखों में थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है वो आगे जाकर एक गंभीर समस्या भी बन सकता है, यानी कि बच्चों को छोटी सी उम्र में चश्मा लग सकता है या बच्चों को सही ढंग से दिखाई नहीं देगा, बच्चे की आंखें बिल्कुल लाल रहेगी, बच्चों की आंखों में से बार बार पानी आता रहेगा, या फिर बच्चों की आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाएगी जिससे उन्हें दिखने में धुंधलापन आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण पैदा हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी और हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की आंखों में से पानी आता रहता है तो आपको या तो डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए कि इस तरह से क्यों हो रहा है, क्या बच्चा ज्यादा देर तक टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है या किसी स्क्रीन से टच रहता है, तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखिए। आजकल खाने पीने में बहुत ज्यादा नखरे करने लग गए हैं, ऐसे में अगर आप बच्चों को खाने को कुछ देते हैं तो वो सही ढंग से खाते भी नहीं है। और आजकल तो मम्मियां इतनी बिजी रहती है कि बच्चों की सेहत पर, जैसे कि उनको जो खिलाना चाहिए वो तो कई बार खिला भी नहीं पाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रही हूँ जो आप अगर अपने बच्चे की डाइट में हमेशा रखती है तो आपके बच्चे की आंखों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान रखना होगा कि जैसे बच्चा ज्यादा देर मोबाइल ना चलाए, टीवी ना देखे या फिर किसी प्रकार की स्क्रीन से टच ना रहे, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना। कंटिन्यू अगर आंखों में से इस तरह से पानी आ रहा है तो आपको आंवला उसके खाने की डाइट में शामिल करना चाहिए, जो कि विटामिन सी से भरपूर रहता है और बच्चे की आंखों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप रोज उसके खाने में एक आंवला शामिल करेंगे, जैसे कि आप उसे आंवले का मुरब्बा बना के दे सकते हैं, आंवले की कैंडी बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप इसी तरह से आंवला उबालकर इसी तरह से भी आप उसे खाने को दे सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप आंवला उसकी डाइट में शामिल करेगी तो आंखों की कोई प्रकार की समस्या उसे नहीं होगी। अगर आप परेशान है बहुत ज्यादा, सारे उपाय अगर आपने कर लिए हैं तो बस एक छोटा सा उपाय है कि आंवले का सेवन अपने बच्चों को रोज करवाने लग जाइए। बच्चों को अगर नहीं पाता है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके खिलाना शुरू करिए, आप देखेंगे कि बच्चों की आंखों में काफी फर्क पड़ा है, उसकी आंखें की जो पानी आता है बार बार वो बिल्कुल सही हो गया है। तो आंवला बहुत अच्छा होता है, अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो भी उन्हें आप खिलाने की कोशिश करिए। और आंवला का मुरब्बा सबसे अच्छा होता है, सर्दियों के मौसम में तो आंवले बहुत आते हैं, अगर आप घर पर बना हुआ आंवले का मुरब्बा भी खिलाना चाहे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, उससे भूख भी लगेगी, खून की कमी भी दूर होगी, बाल अच्छे रहते हैं, तो आंवला हर तरह से बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है, अगर आपके बच्चों की आंखों में से पानी आता ही रहता है तो आप अपने बच्चे की डाइट में आंवला शामिल करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।